मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी और अंतर कलह किसी से छुपी नहीं। आए दिन कांग्रेस नेताओं के विवाद के मामले सामने आते रहते हैं। कभी आरोप प्रत्यारोप मीडिया में सुर्खियां बनते हैं तो कभी मारपीट के वायरल वीडियो सामने आते हैं। अब उपचुनाव से पहले सुपरी से मामला सामने आया है। यहाँ कांग्रेस प्रभारी के सामने ही दो नेता आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बड़ा कि दोनों ने एक दूसरे को गालियां तक दे डाली। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस प्रभारी वरिष्ठ नेता राजकुमार पटेल शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंचे थे। इस दौरान पोहरी के ब्लॉक अध्यक्ष अफाक अंसारी और यूथ सेवा दल के अध्यक्ष सुभाष जमनी के बीच विवाद हो गया। बात इतनी बड़ी कि दोनों के बीच गाली गलौच हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि घटना के बाद माहौल इतना गर्मा गया कि प्रभारी राजकुमार पटेल को बीच में आकर दोनों पक्षों को समझाइश देकर शांत कराना पड़ा। इसके बाद दोनों नेता चुप हुए। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर कांग्रेस की अंतर कलह को उजागर कर दिया है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी कई विवाद के मामले सामने आ चुके हैं। माना जा रहा है कि उपचुनाव से पहले अपनों के विवाद कांग्रेस को भारी पड़ सकते हैं। कुंदली तरकस के लिए शिवपुरी से ब्यूरो रिपोर्ट।